हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपने फ्यूज़ का नाम तो कई बार सुना होगा, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ हमारा कैसे काम करता है, हमें कितने रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ करना चाहिए, फ्यूज़ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, और आखिर फ्यूज़ को हम फेस वायर में कनेक्ट क्यों करते हैं, न्यूट्रल वायर में हम फ्यूज़ को कनेक्ट क्यों नहीं करते। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे फ्यूज़ के फ़ोटो दिखाए गए हैं, इनमें से आपने बहुत सारे फ्यूज़ कहीं ना कहीं सर्किट में या किसी ना कहीं डिवाइस में यूज़ होते हुए ज़रूर देखे होंगे। तो इनमें जैसा कि यहाँ पहला हमें दिखा रखा है, ये हमारा ग्लास टाइप फ्यूज़। ये फ्यूज़ हमारा जनरली कई जगह यूज़ होता है। ये फ्यूज़ हमारा बाहर से जो इसका बॉडी बना होता है वो हमारा ग्लास का बना होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इसके अंदर एक फ्यूज़ एलिमेंट लगा होता है, दोनों साइड से कुछ मेटल के कैप्स लगे होते हैं। तो ये फ्यूज़ हमारा जनरली मोटरसाइकिल की वायरिंग या कार के सर्किट्स में या कई सारे घर के डिवाइसेस होते हैं उनमें प्रोटेक्शन पे यूज़ किया जाता है। और दूसरा हमें यहाँ पे दिखा रखा है, जैसा कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनमें हमारे आईसी या ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको ओवर करंट से बचाने के लिए हम ये डीसी फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम एसएमडी फ्यूज़ भी बोलते हैं, यानी सर्किट माउंट डिवाइसेस। ये फ्यूज़ हमारे काफ़ी छोटे होते हैं। और यहाँ दिखा रखा है कुछ हमें ब्लेड टाइप फ्यूज़। ब्लेड टाइप फ्यूज़ हमारे जनरली आपको इन्वर्टर के सर्किट्स में या बहुत सारे घर के डिवाइसेस में भी यूज़ होते हुए दिख जाएंगे। और कुछ दिखा रखे हैं यहाँ पे एचआरसी फ्यूज़। एचआरसी फ्यूज़ यहाँ पे जहाँ पे हाई करंट की रिक्वायरमेंट है, यानी जैसा कि कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटर्स हैं बड़ी बड़ी और वहाँ हाई करंट कंज्यूम करती है मोटर, तो उन मोटर के जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं या मोटर के जो स्टार्टर्स होते हैं उनके अंदर हम एचआरसी फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, ये हमें मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ एक दिखा रखा है हमारा किटकैट फ्यूज़। किटकैट फ्यूज़ तो आपने जनरली बहुत देखे होंगे, क्योंकि जब पहले के टाइम में जब हमारे घरों में एमसीबी नहीं होता था प्रोटेक्शन के लिए, तब हम किटकैट फ्यूज़ का ही यूज़ करते थे। तो ये देखते हैं असल में फ्यूज़ होता क्या है। तो फ्यूज़ जनरली एक ऐसा मेटल का एक ऐसा वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा बहुत लो होता है और हाई कंडक्टिविटी होती है। तो जब भी उस वायर से कोई बहुत ज़्यादा करंट पास होता है, तो ज़्यादा करंट पास होने से हमारी हीट ज़्यादा जनरेट होती है और हमारा सर्किट यानी फ्यूज़ का जो वायर है वो हमारा मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है और हमारे सर्किट को वो प्रोटेक्ट करता है। तो किस तरह के फॉल्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड यानी मान लीजिए मेरी जो कोई भी डिवाइस है वो 2 एम्पेयर का करंट कंज्यूम कर रही है। जैसे कि आप कोई भी डिवाइस खरीदते हैं या कहीं से लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि ये डिवाइस कितना करंट रेटिंग है इसका, कितना ये वोल्टेज ले रहा है और कितना वोल्टेज है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, तो उस पर एक हमें रेटिंग दी होती है करंट रेटिंग। तो जब भी उस करंट रेटिंग से बहुत ज़्यादा करंट हमारा फॉल्ट होने के कारण हमारा डिवाइस है वो कंज्यूम करेगा यानी ओवरलोड, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो फ्यूज़ है वो उस डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, और दूसरा होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जैसे हमारे 2 वायर होते हैं, एक होता है हमारा फेस का वायर, एक होता है हमारा न्यूट्रल का वायर। तो जब दोनों वायर आपस में जब मिल जाते हैं तो कुछ आर्क सी प्रोड्यूस होती है। ये आर्क के कारण जो हमारा करंट जो सर्किट में फ्लो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है। तो इससे चीज़ के इससे बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए भी हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। वैसे आज के टाइम में फ्यूज़ का एक अपग्रेड वर्जन आ गया जिसको हम कहते हैं एमसीबी। तो एमसीबी जब पहले नहीं होता था तो हम पहले घरों में किटकैट फ्यूज़ का यूज़ करते थे प्रोटेक्शन के लिए। तो अब देखते हैं कि ये फ्यूज़ आखिर कैसे काम करता है। तो जैसा कि यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारा एक लोड लगा हुआ है और हमारा फ्यूज़ हमारा लगा हुआ है। जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी यानी उस डिवाइस की जो रेटिंग है वो उतना करंट लेगा, तो हमारा जो फ्यूज़ है वो ईजिली वो करंट को पास होने देगा। और जब भी हमारा डिवाइस जो है वो उस करंट रेटिंग से, जितनी उस डिवाइस की करंट रेटिंग है उससे जब भी वो ज़्यादा करंट लेगा, तो वो करंट हमारे फ्यूज़ से पास होता हुआ जाएगा। तो फ्यूज़ उसको जो हमारा करंट है, जब ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट बढ़ेगी, ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण हीट बढ़ने से जो हमारा फ्यूज़ का जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम, तो वो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण जो फ्यूज़ का जो वायर है वो हमारा मेल्ट हो जाएगा और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारा जो डिवाइस लगा है उसको प्रोटेक्ट करेगा। आइए अब देखते हैं कि हमें कितने रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सिंपली एक निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो यहाँ पे हम करंट निकालेंगे किसी सर्किट का, तो करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे पास एक डिवाइस है जो हमारा 350 वॉट का है और वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, तो जो उसका करंट जो निकल के आता है उसका निकल के आता है 1.59 एम्पियर। यानी जो डिवाइस जो हमारा करंट ले रहा है वो ले रहा है हमारा 1.59 एम्पियर। और तो हम यहाँ पे इससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 2 एम्पियर से लेकर 3 एम्पियर तक का फ्यूज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि भी हम ज़्यादा एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ कर दें यानी 10 एम्पेयर या 8-9 एम्पेयर का, तो वहाँ वो सही नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा वो फ्यूज़ ओवरलोड पे फ्यूज़ हमारा ब्लो ही नहीं होगा। इसलिए हमें जितना सर्किट का करंट रेटिंग है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एम्पेयर का हमें फ्यूज़ यूज़ करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि फ्यूज़ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्यूज़ हमारे टाइप्स में पहला होता है हमारा लो वोल्टेज फ्यूज़ और दूसरा होता है हमारा हाई वोल्टेज फ्यूज़।
लो वोल्टेज फ्यूजेज हमारे रिवायरेबल फ्यूज, किटकैट फ्यूज, इनक्लोज HRC फ्यूज, ओके किटकैट फ्यूज जो हमारे घरों में यूज होते हैं, HRC फ्यूज यानी हाई रेपिटेटिंग कैपेसिटी जो हमारे जहाँ हाई करंट का एप्लीकेशन होता है यानी हाई करंट का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे बड़ी बड़ी मोटर्स को चलाने के लिए HRC फ्यूजेस का यूज़ किया जाता है। और लो वोल्टेज में हमारे ग्लास टाइप फ्यूजेस, ब्लेड टाइप फ्यूजेस, काफ़ी सारे फ्यूजेस जो आते हैं वो हमारे लो वोल्टेज फ्यूजेस में आते हैं। और दूसरा है हमारा हाई वोल्टेज फ्यूजेस। हाई वोल्टेज फ्यूजेस हमारा पहला है हमारा कैटरिज टाइप फ्यूज, दूसरा है हमारा लिक्विड टाइप फ्यूज। ओके तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा लो वोल्टेज फ्यूजेस, इसमें है हमारा पहला रिवायरेबल फ्यूज यानी किटकैट फ्यूज। तो इसमें होता क्या है, जनरली जैसा कि नीचे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, फोटो दिखाया गया, इसमें हमारा एक बेस पार्ट होता है फीमेल पार्ट, और एक होता है हमारा कैरियर यानी मेल पार्ट, जिसके अंदर हम वायर लगाते हैं यानी फ्यूज एलिमेंट लगाते हैं, वो होता है हमारा मेल पार्ट जिसको हम बाहर भी निकाल लेते हैं। और इसमें जो हम वायर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम लीड और टीन का एलॉय यानी इन दोनों का मिक्सचर, टीन और लीड का मिक्सचर यूज़ करते हैं फ्यूज एलिमेंट के लिए, और हम इस फ्यूज़ को डोमेस्टिक पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरा है हमारे यहाँ पे टोटली इनक्लोज HRC फ्यूज, इसको हम हाई रेपिटेटिंग कैपेसिटी फ्यूज भी बोलते हैं। ओके जो हमारा फ्यूज जो दिखता है ये हमारा एक जैसा गन होता है उसका कैटरिज की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको कैटरिज टाइप फ्यूज भी बोलते हैं। इस फ्यूज में जो हम फ्यूज एलिमेंट का यूज़ करते हैं वो हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। ओके लेकिन हमारे जो किटकैट फ्यूजेस थे या जो भी छोटे छोटे फ्यूजेस होते हैं कम रेटिंग के, उसमें हम लीड और टीन के एलॉय का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे 10 एम्पियर से नीचे के जो फ्यूज़ होते हैं यानी 10 एम्पियर तक जो फ्यूज़ होंगे उनमें हम लीड और टीन के एलॉय का यूज़ करेंगे। और जब भी हमारे बहुत हाई करंट के फ्यूजेस होंगे उनके अंदर हम फ्यूज़ एलिमेंट जो यूज़ करेंगे वो करेंगे हम सिल्वर वायर का। और HRC फ्यूज़ के अंदर हम एक फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर भी डालते हैं, क्योंकि जब भी हमारे कॉन्टैक्ट सर्किट यानी मेक एंड ब्रेक होता है या कॉन्टैक्ट हमारे मिलते हैं तो वहाँ आर्क प्रोड्यूस होती है, तो उस आर्क से हमारी आग ना लग जाए उससे बचाने के लिए हम इसमें फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर का भी यूज़ करते हैं, जैसा कि सिलिका है। और ये फ्यूज़ हमारा चारों तरफ से बंद रहता है और इसमें सिरामिक कंटेनर भी होता है यानी सिरामिक के एक तरह का मटेरियल होता है जो इंसुलेटर होता है। ओके ये अब देखते हैं हाई वोल्टेज फ्यूजेस। हाई वोल्टेज फ्यूजेस में पहला है हमारा कैटरिज टाइप फ्यूज, ये हमारा लो वोल्टेज HRC फ्यूजेस की तरह होता है, बस इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है वो कैटरिज टाइप फ्यूज की तरह सेम होगा। और दूसरा है हमारे यहाँ पे हाई वोल्टेज फ्यूज़ में लिक्विड टाइप और CCL4 फ्यूज़, ये फ्यूज़ हमारा ग्लास का बना होता है, उसके अंदर जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल होता है वो होता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड, और ये हमारा दोनों साइड से बंद होता है ये फ्यूज़। और इस फ्यूज़ के अंदर हम फ्यूज़ एलिमेंट यूज़ करते हैं और उसके साथ में हम एक फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्यूज़ थोड़ा इन फ्यूज से डिफरेंट होता है हाई वोल्टेज में। ओके तो ये फ्यूज़ हमारा हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि फ्यूज़ को आखिर हम फेज़ वायर में कनेक्ट क्यों करते हैं, न्यूट्रल वायर में हम फ्यूज़ को कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर फ्यूज़ को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करूँगा तो मेरा जो डिवाइस है मान लीजिए अभी तो सही कंडीशन में चल रहा है, जब भी इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा या कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी तो ये ओवर करंट लेगा, यानी इसमें जो करंट लेगा जो इसकी रेटिंग है उससे ज़्यादा लेगा। तो जब भी उससे ज़्यादा करंट लेगा तो मेरा जो करंट जो निकलता है वो निकलता है मेरा फेज़ वायर से लोड से होता हुआ न्यूट्रल की तरफ जाता है। तो जब भी अगर मैं फ्यूज़ को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करूँगा तो उससे मेरा जो करंट है वो फेज़ से निकल जाएगा और लोड के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए मैंने मोटर यूज़ किया था तो मोटर से पास होता हुआ फिर न्यूट्रल पे जाएगा और न्यूट्रल पे जो फ्यूज़ लगा हुआ है उस फ्यूज़ को ब्लो करेगा बाद में, उससे पहले ही ब्लो करने से पहले ही मेरा जो डिवाइस है वो हमारा बर्न हो जाएगा, यानी मान लीजिए मोटर है तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसीलिए फ्यूज़ को हम फेज़ वायर में कनेक्ट करते हैं। अगर इसी फ्यूज़ को हम यहाँ फेज़ वायर में लगाते हैं न्यूट्रल की जगह, तो फेज़ वायर में लगाने से पहले क्या होता, हमारा जो करंट है वो पहले हमारा फ्यूज़ से पास होता हुआ जाता बाद में लोड के पास जाता, तो हमारा जो हाई करंट जो पहले पास होता वो हमारा फ्यूज़ से पास होता और फ्यूज़ हमारे लोड के पास करंट पहुँचने से पहले ही हमारा फ्यूज़ ब्लो हो जाता और हमारे लोड को और सर्किट को प्रोटेक्ट करता। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फ्यूज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, फ्यूज़ की रेटिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है और फ्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।